Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, I am your computer teacher, Tuba Amir. Today is my 18th lecture of class 4. Students, आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं. यूनिट नंबर 5, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू विंडोज़. क्या है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़? अब ये विंडोज़ क्या होती हैं? स्टूडेंट, जैसे कि आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है, मॉनिटर पे एक स्क्रीन शो होती है जिसमें 4 कलर के विंडोज़ हमें शो होती है, जिसके साथ लिखा होता है विंडोज़. ठीक है, तो ये होती है विंडोज़. और जिसकी वजह से जब वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा होता है कंप्यूटर, तब हमारे सामने एक डेस्कटॉप शो होता है. ठीक है, जिस पे काफ़ी आइकन्स होते हैं जिसे हम यूज़ करके अपना कोई सा भी काम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, अब जो विंडोज़ होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये कंप्यूटर की विंडोज़ कैसी हैं? जैसे कि हमारे घरों में जो विंडो होती है जिसे वेंटिलेशन होती है, ठीक है, और जिसे ताज़ा हवा अंदर की तरफ आती है, वो तो होती है घर की विंडो. ठीक है, आज जो हमने पढ़नी है वो कंप्यूटर की विंडोज़ डिस्कस करेंगे. ठीक है, टॉपिक आज का जो है हमारा विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज़ है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आज हम इसे डिस्कस करते हैं. विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अब ये जो कंप्यूटर की जो विंडो है वो एक क्या है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है. क्या है सॉफ्टवेयर? इट इज़ अ वेरी स्पेशल सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये जो है सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अहम होता है, विच स्टार्ट्स अप योर कंप्यूटर एंड हेल्प्स यू टू यूज़ अदर प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर टू कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ टास्क. स्टूडेंट, जो कंप्यूटर का जो विंडो होता है वो एक बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, और जो आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, और बहुत से जो कंप्यूटर के काम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, और डिफरेंट काम होते हैं, उनको स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स यू टू स्टोर योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन फाइल्स, ऑर्गेनाइज देम एंड रिकॉल देम व्हेन रिक्वायर्ड. अब ये क्या है, एक तो काम मैंने आपको बता दिया विंडो का क्या होता है. ठीक है, और जो दूसरा काम है वो ये है कि जो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको स्टोर करने में, ठीक है, और जो फाइल की इंफॉर्मेशन होती है उसे स्टोर करने में, और बहुत से काम जो हमने बाद में देखने होते हैं एक बार करके हम उसे सेव कर लेते हैं ताकि ईज़िली नेक्स्ट टाइम हम देख सकें, और जो हमें रिक्वायर होता है कुछ भी तो हम इजीली कर सकते हैं, वो करने में, सब काम करने में हमारी हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? विंडो, जो एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, दस इट कीप्स यू फ्री एंड टू डू मोर यूज़फुल थिंग्स ऑन द कंप्यूटर. अब ये जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है ये हमें बहुत ज़्यादा काम करने में इजीली, हम फ्री होके इस पे काम कर सकते हैं. ठीक है, सच अ सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये जो सॉफ्टवेयर है विंडो, जो सॉफ्टवेयर है इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ऑपरेट, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, प्रॉपर तरीके से चलाता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच स्टार्ट्स अ कंप्यूटर एंड अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स का सेट है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, और इसके अलावा जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, पहले सब जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जो अटैच होते हैं सीपीयू के साथ, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर के साथ, सीपीयू के साथ अटैच होती हैं, उन सब को देखता है और चेक करता है कि सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और ये अलाउ करता है यूज़र को जो कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं हम, यूज़र. ठीक है, अब यूज़र को अलाउ करता है कि वो इंटरेक्ट करे किसके साथ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके. ठीक है, उनके साथ काम कर सके.
अब जो भी हार्डवेयर होते हैं वो विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो विदाउट हार्डवेयर काम नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम एक मॉनिटर के यानी कि अगर हम प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, अगर हम प्रिंटर को घर लेके आते हैं परचेज़ करके, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर कंप्यूटर में उसका प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है कंप्यूटर में, ताकि वो प्रिंटर को अलाउ कर सके कि वो काम करे, ठीक है, ताकि हम इजीली प्रिंट ले सकें, ठीक है। अब जो स्टार्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग विंडोज़। अब स्टार्टिंग विंडोज़ मतलब क्या है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारे सामने एक स्क्रीन अपेयर होती है वो होती है विंडो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जब हम विंडो को स्टार्ट कर लेते हैं, व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर हैविंग विंडोज़ एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ गेट्स लोडेड ऑटोमेटिकली, द डिस्प्ले दैट अपेयर्स ऑन योर मोनीटर स्क्रीन इज कॉल्ड द विंडोज़ डेस्कटॉप। अब ये विंडो डेस्कटॉप क्या है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे जो हमारे सामने विंडो आती है, तो विंडो ऑटोमेटिकली लोडेड होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे स्क्रीन पे एक स्क्रीन अपेयर होती है जिसका नाम होता है विंडोज़ डेस्कटॉप, ठीक है, जिस पे क्या होता है स्टार्ट बटन, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, टास्क बार जो नीचे लाइन होती है, ठीक है, जो बार होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं, साथ में क्लॉक होता है, ठीक है, यह क्या है हमारा विंडोज़ डेस्कटॉप। अब कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो डेस्कटॉप, अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू एंड आइकन्स। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आइकन्स क्या होते हैं, जब विंडोज़ डेस्कटॉप पे डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइकन्स, ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और बाकी डाउनलोड, बाकी काफ़ी टाइप्स होती हैं मतलब कि आइकन्स की, ठीक है। अब टास्क बार क्या होता है, टास्क बार जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, जैसे जो नीचे एक बार होती है जिस पर टास्क काफ़ी काम होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं टास्क बार। स्टार्ट बटन कहीं पे ग्रीन कलर का होता है और डिफरेंट विंडोज़ के डिफरेंट स्टार्ट बटन होते हैं, ठीक है। अभी आइकन्स हमने जैसे पढ़ा, अभी विंडोज़ डेस्कटॉप क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। अब ये स्टार्ट बटन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ग्रीन कलर में स्टार्ट बटन दिखाया है, ठीक है, डिफरेंट विंडोज़ के डिफरेंट स्टार्ट बटन होते यहीं पे ही हैं सारे, ठीक है। अभी क्या है हमारा ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे सामने शो होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। अब टॉपिक पढ़ते हैं हम आइकन्स के बारे में। आइकन्स क्या होते हैं, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइकन्स कॉमनली अपेयरिंग ऑन अ विंडोज डेस्कटॉप एज आर एस फॉलोज। जैसे कि मैंने भी आपको कंप्यूटर पे विंडो डेस्कटॉप पे आइकन दिखाए थे, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट आइकन्स हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, ये होमवर्क है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आपने इनको अच्छे तरीके से लर्न करके अपने कॉपी पर राइट करना है। इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ चैप्टर नंबर 5, गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमने भी पढ़ा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच स्टार्ट्स अ कंप्यूटर एंड अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिफरेंट प्रोग्राम का सेट होता है जिसमें कंप्यूटर को कंप्यूटर अलाउ करता है यूज़र को कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपना कोई भी काम कर सके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम नहीं करता, ठीक है। व्हाट इज़ अ विंडो डेस्कटॉप, अभी विंडो डेस्कटॉप क्या है, जैसे भी हमने पिक्चर में देखा, विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ द विंडोज़ वर्कस्पेस, ठीक है। विंडो डेस्कटॉप होता है जहाँ पे हम विंडो पे काम करते हैं, इट अलाउज़ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिससे आप अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप, आपने लिस्ट बनानी है मेन कंपोनेंट्स की, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, आंसर है टास्क बार, नंबर 2 है स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू, नंबर 3 है आइकन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ विंडो, विंडो क्या है,
अब आंसर पढ़ते हैं, विंडो इज अ रेक्टेंगुलर एरिया इन विच द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स आर डिस्प्लेड। अब जो विंडो है एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें तमाम कंटेंट्स होते हैं प्रोग्राम्स के जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं मॉनिटर पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करके अपनी कॉपी पे राइट करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।